लाइक हॉर्स लाइक डोंकी लेकिन डिमोन। पद्मश्री दिस वन। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? पज। पज, हाउ इज योर एक्सपीरियंस हियर? Here. जैसे यहाँ पे आके भाई मैं तो हैरान हूँ, मुझे सबसे मस्त जगह लगी है भाई असम की। हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज हमारी भारत यात्रा का दिन 180 और अभी हम हैं भाई माजुली, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, रिवर आइलैंड। और हमारे साथ एक छोटा सा मेहमान है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखो, साथ में बैठ के चाय पी रहा है। ये हट नहीं रहा था भाई, पंगे ले रहा था मेरे से। तो भाई भैया ने इसको यहीं पे बांध दिया, कह रहे आपको तरफ नहीं आएगा, अभी यहीं बैठा रहेगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। अभी हम भाई यहाँ पे रेडी वेडी हो चुके हैं एंड भैया अभी परौंठा लेके आए हैं। भाई कह रहे ये खाना खा के जाओ थोड़ा सा। तो चलो भाई अभी खाना खाते हैं, निकलते हैं जल्दी जल्दी। भाई 12:30 का टाइम हो चुका है। होटल पे पहुंच गए भाई, अभी भाई को सामान दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, फिर चलते आगे। कौन सा सफर है आज का? आज का अच्छा था। कल का भी? कल का बहुत बढ़िया था, हमने ब्लॉग डाल भी दिया। हाँ शाम को आ जाएगा भैया। भाई यहाँ पे भाई इतना बड़ा, ये सारी चाय बना रहे हो क्या? हाँ। एक ही साथ ना, ये दिन भर बनता रहेगा। अच्छा कड़ता रहेगा दिन भर। कितने लीटर दूध होगा इसमें? 35 लीटर। अच्छा आज हमें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए भाई, जो आपने कल बता रहे थे? सामागुरी ना, सामागुरी सत्रह ना। भाई ये पता नहीं क्या ही गाना है, सुबह से यही गा रहा हूँ। मेरी जान कसम ले लंबा, तेरी जान कसम रे लंबा, मेरी जान कसम ले मोटा। पता नहीं कौन सा गाना है भाई, रील भी बहुत चल रहा है। कोई BKL ही होगा जो इस वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं भाई श्री श्री सामागुरी सत्रह, और ये है सामने। अभी अंदर चलेंगे, पहले भैया को बाय बाय बोलते हैं। भैया अभी जा रहे हैं भाई, हमें छोड़ के पूरा एग्जैक्ट छोड़ दिया भैया ने सामग्री तक। ठीक है भैया, अपना नाम तो बता दो। ध्रुव ज्योति। ये ठीक है, फिर भी जल्दी सुन के समझ आ गया मेरे को, नहीं तो यहाँ के थोड़े नाम मुश्किल रहते हैं। तो जैसा कि भैया हमें भैया ने बताया था कि यहाँ पे भाई मास्क मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे देख सकते हो हर तरह के यहाँ पे मास्क लगे हुए हैं एंड ये देख सकते हो अभी ये पूरे रेडी नहीं है, बन रहे हैं अभी। और यहाँ देख सकते हो भाई बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे सीखने आते हैं कि क्या है और कल्चर सीखने आते हैं यहाँ का। ये एक लौती ऐसी जगह है भाई जहाँ पे ये मास्क बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं, मतलब मिट्टी से ये मास्क बनाए जाते हैं। इसकी मेकिंग भी हम आपको दिखाएंगे। पहले बनाया है एक बेम्बो खाँचा। ये खाँचा ऊपर में कॉटन कपड़ा का साथ क्ले। तो ये क्ले जनरल क्ले नहीं, एक स्पेशल पोटारी क्ले। तो पोटारी क्ले का साथ कॉटन मिक्स करके ये ऊपर में लगाया। थर्ड स्टेज होगा ऊपर में शेप, गाय का गोबर, गोबर का साथ थोड़ा क्ले, थोड़ा केरोसिन ऑयल मिसाल करके गोबर, तो ऊपर में सेब दिया जो चाहिए। तो नॉर्मल फेस चाहिए, डिमोन चाहिए, सभी होगा गोबर का काम। जब गोबर का काम मन में फिनिश हुआ तो सुखाने का बाद में पॉलिश हुआ। हाँ पॉलिश का बाद में फिर से कपड़ा लगाया, फिर से कपड़ा लगाया। ये फोर स्टेज हो गया। तो बाद में ऊपर में एक व्हाइट चॉक लगाया प्राइमर। हाँ तो बाद में बाई कलर होगा। हाँ कलर होगा, ये बाई कलर होगा। तो बाद एक लुक ये पहन करके परफॉर्म हुआ मंदिर अंदर में रात ड्रामा में। तो ये करेक्टर तो एक लुक पहन करके परफॉर्म हुआ, ये गोरु पक्षी। तो ये पोजिशन ये जगह टस्ट हुआ ड्रामा में। तो डायलॉग हैं, तो इसी समय दो मुख हैं, एक मुख बाहर एक असली मुख अंदर। तो असली मुख जब डायलॉग दिया ये हिलते हैं, तो ये प्रेशर हुआ तो मार्क्स सिलते हैं। तो ये ट्रेडिशन में नहीं है, ट्रेडिशन में तो ये फिक्स था, लेकिन 2004 में बनाया। तो 2004 तो ये जो डायलॉग दिया, डायलॉग बाहर निकल के लिए और अंदर लोग शाह निशाह के लिए तो ये बनाया। तो ये 5 स्टेज एक मुखुट का काम था। तो शिशु कृष्ण को मारने के लिए कोशिश किया। तो ये एक ही लाइक हॉर्स लाइक डोंकी
लेकिन डीमोन डीमोन राक्षस तो ये हैं। ये अलग अलग डीमोन डीमोन हाँ, ये सभी कैरेक्टर पहन करके परफॉर्म हुआ ड्रामा में। तो ये मुखौटों का दो भाग हैं ट्रेडिशन में, एक भाग ये हैं नाम फेस मास्क, फेस मास्क मुख में पहन कर परफॉर्म हुआ। तो ये वाला बिग मास्क, तो एक लोग अंदर से घुस जाए। अच्छा। जो देखिए डिजाइन, वो डिजाइन अंदर लोग फेस वो जगह में रह जाएगा, तो 10 फीट हाइट हुआ, तो इसीलिए नाम है बड़ मुखा बिग मास्क। ये बनाया मैं टेबलो दिल्ली 2018 रिपब्लिक डे असम सेकंड पोजीशन मिला। तो मेरा नाम हेमचंद गोस्वामी, 2018 भारत सरकार ने दिया संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। श्री हेमचंद्र गोस्वामी पद्मश्री पद्म अवार्ड पद्मश्री पद्मश्री अवार्ड के श्री हेमचंद्र गोस्वामी प्रेसिडेंट अवार्ड द्रौपदी मुर्मू। आप कब से कर रहे हो ये काम? मैं 3 साल पर बनाया मास्क। 10 इयर्स 10 साल मेरा गुरु पिताजी पिताजी गुरु पिताजी पिताजी गुरु पिताजी ऐसे ऐसे कल जनरेशन बाय जनरेशन अवार्ड ट्रेडिशन। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा भाई, हमने यहाँ पे भाई हेमचंद्र जी से बात करी और भाई उनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और 2018 में उनको भाई मतलब जो रिपब्लिक डे पे अलग अलग झांकियाँ निकलती हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनमें भी उनको सेकंड अवार्ड मिल चुका है। और भाई इतना सुंदर आर्ट मतलब मैंने भाई आज तक ये कभी नहीं देखा, ना ही मैंने उस दिन मैंने रिपब्लिक डे वाला झांकी भी नहीं देखी होगी, नहीं तो मैं ज़रूर इनको रिकॉग्नाइज कर लेता। भाई बहुत सुंदर चीज़ बना रहे हैं यार, एंड मतलब पीढ़ियों से काम चलता आ रहा है। मेरे को भैया अभी सर ने बताया कि इनके दादाजी इनके परदादाजी और इनके पिताजी मतलब वही सेम ही काम कर रहे हैं एंड अभी भी मतलब ये लोगों को सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपनी जो कला है उसको बांटना चाहते हैं और इसे बढ़ाना भी चाहते हैं। अभी बाहर जो है इनके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो कि यहाँ पे आके सीख रहे हैं, यहाँ के कल्चर को सीख रहे हैं। और भाई मतलब मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप इंडियन हो और आर्ट से प्यार है आपको, एक बार आके यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, आपको सर बहुत ही अच्छी एक आर्ट सिखा देंगे जो कि है भाई फेस मास्क। अब बाहर जाके भाई आपको दिखाते हैं कि फेस मास्क बनता कैसे, उसका प्रोसीजर क्या है, अभी बना रहे हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि कैसे बनता है। अच्छा सर, इसका अगर बेस मतलब बेस एक ही रहता है, बाद में फेस हम ऊपर से लगाते हैं? ओके। सो व्हाट्स योर नेम? फज। फज। ओके, सो शी इज फ्रॉम इजराइल। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस हियर? वेरी इंटरेस्टिंग हियर। सो यू आर हियर फॉर ओनली लर्निंग मास्क मेकिंग? यस। हाउ मच यू लर्नड अबाउट इट? जस्ट नाउ आई स्टार्टेड इन here good teacher. Okay, where is your name? Good teacher. I am also a learner. But you are from aap yahan se to aap thoda jaldi seekh loge na, kyunki ye aapke culture mein bhi hai. But no issues, you will learn very quickly. Bhai waise aapka naam aapne kya bataya? Shubhajyoti Goswami. Shubhajyoti. To bhaiya yahan pe sikha rahe hain aur वैसे भैया यहाँ पे सिखाने का कोई फीस वगैरह होता है या वैसे ऐसे ही में सिखाते हैं? नहीं, ऐसे ही आ सकते हैं। ऐसे ही आ सकते हैं सिर्फ सीखने के लिए ना? ओके। सो व्हेन यू रीच्ड हियर, व्हेन यू केम हियर? बिफोर 4 डेज। 4 डेज एंड यू स्टार्टेड 4 डेज अगो? नो, जस्ट टुडे द मॉर्निंग। ओके, व्हेन यू टुडे बिफोर, देन यू आर वेरी फास्ट, वेरी फास्ट एट लर्निंग। इंग्लिश शायद भैया 3-4 दिन तो लगते होंगे कम से कम ना एक बंदे को सीखने के लिए, क्योंकि 5 स्टेप हैं तो एक एक स्टेप को एक एक दिन भी लगे। नहीं, ये जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप ही सीखने के लिए तो स्टार्ट पॉइंट से। अच्छा, एक स्टेप वो इट्स तो लगते हैं। अब वैसे मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल स्टेप यही है ना? नहीं, वो जो शेप देने वाला है वो स्टेप मुश्किल, वो सबसे मुश्किल है, बट ये भी मुश्किल है, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ये थोड़ा पजल की तरह है ना, पजल जैसे करनी पड़ती है, पूरा स्टार बनाना सारा शेप खराब हो गया। नाइस भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको भाई आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको मतलब मास्क मेकिंग करनी है या फिर आप कुछ भी ऐसा मतलब आर्ट के रिलेटेड सीखना चाहते हो तो भाई असम में आ सकते हो। भैया असम में इस जगह का नाम क्या है? माजुली के अंदर भाई जब मास्क बन जाता है और उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है तो यहाँ पे उसे सुखाने के लिए रख दिया जाता है ना। अभी तो धूप नहीं है ना इसलिए। हाँ, तो आग के साथ सुखाया जा रहा है।
गाइस बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। एंड अभी हम जा रहे हैं भाई अपनी सेकंड लोकेशन की तरफ, जो कि टाउन के आसपास है, जहाँ पे हमारे जो भैया थे उनकी शॉप है। चलो भाई अभी यहाँ से चलते हैं यार, उस तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा दूर है, हमें शायद पढ़ने वाले हैं भाई 8-9 किलोमीटर के आसपास, वहाँ पहुँचेंगे। अभी यहाँ से लिफ्ट लेके जाना है, और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह कम चलती हैं, एंड जो बाइक्स वगैरह चलती हैं, टू व्हीलर चलते भी हैं, तो भाई वो लिफ्ट नहीं देते क्योंकि डबल हेलमेट नहीं होता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, देखते हैं क्या होता है, लेट्स गो चलते हैं। भाई ये है असम की ऑफ बीट लोकेशन, गुवाहाटी जैसी जगह को मैं नहीं ऑफ बीट कह सकता, तेजपुर जैसी जगह को मैं ऑफ बीट नहीं कह सकता, पर ये भाई असम की प्रॉपर ऑफ बीट लोकेशन है। कोई टूरिज्म नहीं आता यहाँ पे, कुछ नहीं है। टूरिज्म आते भी हैं भाई, किसी को पता भी नहीं होगा कि माजुली नाम की कोई जगह भी है, या इंडिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये माजुली। एंड इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें भाई, पूरा नेचर के बीच में बसा हुआ। और मैंने भैया से पूछा था कि भाई यहाँ पे मतलब अभी ये ग्राउंड इतने बड़े बड़े हैं, यहाँ पे तो मतलब बहुत सारा मतलब खेती वगैरह होती होगी, या फिर यहाँ पे तो भाई कल्चर मतलब बहुत सारा लैंड आपके पास, तो कहते नहीं भाई ये अभी बारिश नहीं हो रही इस वजह से लैंड है सूखा हुआ है, नहीं तो यहाँ तक पानी होता भाई, यहाँ तक पानी हो जाता है। मेरे को भैया ने बताया कि सिर्फ सड़कें बचती हैं चलने के लिए, कभी कभी वो भी डूब जाती हैं बीच में ही, पर कहते जब बारिश आती है ना अच्छे से, कह रहे अभी तो बारिश हो नहीं रही, कह रहे जब सीज़न में बारिश आएगी ना अच्छे से, तो कह रहे सारे ग्राउंड यहाँ पे ऊपर ऊपर तक भरे होते हैं, मतलब इतनी ऊपर आ जाता है नदी का लेवल। भाई एक चीज़ जो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी, यहाँ के लोगों का नेचर भाई इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपको मतलब फील ही नहीं होने देंगे कि आप कहीं बाहर आए हो। मेरे को काफ़ी टाइम के बाद भाई अच्छा लग रहा है, नहीं तो मेरे को ना बुरा लगने लगा था कि भाई मैं यार क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे को वापस चले जाना चाहिए, पर भाई यहाँ इस साइड में आके ना पूरा ऐसा लग रहा है भाई ट्रैवल और करना है, मेरे को और ट्रैवल करना है, और नई नई जगह जाना है, नए लोगों से मिलना है, उनकी फैमिलीज़ को जानना है, उनके कल्चर को जानना है, तो अच्छा लगता है यार, ये चीज़ अच्छी लगती है। मतलब अभी मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे मेरे को सर ने भाई पद्मश्री अवार्डी हैं वो, एंड उन्होंने मेरे को ऐसे ट्रीट करा भाई जैसे कि भाई वो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, अच्छा लगा। और अभी यहाँ से भाई हम बाय वॉक जा रहे हैं थोड़ा सा, फिर लेते हैं लिफ्ट भी, और मज़ा आ रहा है भाई चल के, मज़ा आ रहा है मतलब यहाँ पे घूम के भी। और तुम लोग कमीनो शर्म कर लो, शर्म फॉरन से आके लोग यहाँ पे सीख रहे हैं मास्क मेकिंग, यहाँ पे भाई सामागुरी में माजुली में आओ जाओ भाई सीख लो, नहीं तो ये आर्ट भाई बाहर के लोग ले जाएंगे, ये भी इंडिया में नहीं बचेगी, क्योंकि इंडियन सीखते नहीं यहाँ पे आके, बड़ी मुश्किल से सर के पास जो लोकल्स हैं वही हैं जो सीख रहे हैं यहाँ के। इंडिया का कल्चर वैसे ही आधा से ज़्यादा लुप्त हो चुका है, कुछ बचा तो उसको बचा लो यार चलो अभी। और आपको भाई सीरियस नहीं समझाएंगे, क्योंकि इतना समझाना आई थिंक बहुत था, अभी चलते हैं अपनी सेकंड सत्रा की तरफ। अभी एक भैया ने हमें लिफ्ट दी थी भाई बाइक पे, और उनका नाम था रातुल माजुलिया, वो खुद को माजुलिया बोलते हैं, जो ठीक है, मतलब बढ़िया बात है भाई, मतलब यहाँ का नाम ही अपने नाम के पीछे लगा दिया। और मतलब वो कह रहे थे कि हम भाई थोड़े ब्रह्मचारी हैं, और मैंने उनसे पूछा कि यार सत्रह का मतलब क्या रहता है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि सत्रह का मतलब है, वैसे तो भगवान की जगह है सत्रह, टेंपल की तरह कह सकते हैं पर प्रॉपर टेंपल नहीं कह सकते। और मेरे को भैया ने बताया कि वहाँ पे जो रहते हैं लोग वो शादी नहीं कर सकते, उन्हें ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा। सिर्फ जहाँ हम गए थे अभी सामगुरी, जो जहाँ पे भाई मास्क बनाए जाते हैं, वहाँ पे लेडीज़ हैं सिर्फ एक ही सत्रह में, बाकी जो भाई जगह है वहाँ अगर कोई बाहर से भी आता है ना, एंड अगर वो मैरिड है तो वहाँ पे नहीं रह सकता भाई, जा सकता है देखने के लिए पर स्टे नहीं कर सकता। अभी मैं यहाँ के भाई दो ही सत्रह में गया हूँ, एंड मुझे दो में जाके एक चीज़ तो पता लग गई है, सत्रह आर ऑल अबाउट आर्ट। भाई दोनों सत्रह में आर्ट इतनी ब्यूटीफुल की गई है, यहाँ भी आप देख सकते हो, जैसे कि मिथिला की पेंटिंग बिहार में फेमस है, कुछ हूबहू मतलब नहीं कह सकते पर कुछ कुछ ये पेंटिंग भी वैसी ही है। एंड यहाँ पे भाई हर सत्रह में आपको अलग अलग एक आर्ट देखने को मिलेगी, यहाँ पे भाई कृष्ण जी विष्णु जी इनको मतलब सबसे ज़्यादा महानता दी जाती है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा भाई, जो माजुली जगह है यहाँ पे मुस्लिम्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, शायद मेरे को किसी ने बताया था, कहते मुश्किल से यहाँ पे भाई पूरे माजुली डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल से 5 या 10 घर होंगे मुस्लिम्स के। यहाँ आप मेरे पीछे जो क्वार्टर देख रहे हैं, जो कमरे देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एल्डर लोग रहते हैं, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं वो अपनी बाकी की ज़िंदगी से संन्यास लेके यहाँ पे रहते हैं, आपको बच्चे यहाँ नहीं दिखेंगे रहते हुए, या आपको महिलाएं यहाँ नहीं दिखेंगी रहती हुई,
जो भाई अपनी ज़िंदगी से मतलब संन्यास ले लेता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब ज़िंदगी से, सिर्फ भगवान के चरणों में रहना है, वो यहाँ पे आके रहता है और वही ही रह सकता है। और यहाँ पे फॉरेनर्स आए हुए हैं जो कि भाई यहाँ के कल्चर को जान रहे हैं एंड वो देख रहे हैं कि भाई कैसे इंडियन जैसे मतलब पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ छोड़ छोड़ के अपने यहाँ पे रहने आ जाते हैं। वो भी एक यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं जो अंकल हैं, उनके रूम में गए हुए हैं देखने के लिए कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। जैसे यहाँ पे आके भाई मैं तो हैरान हूँ, मुझे सबसे मस्त जगह लगी है भाई आसाम की। मैं आपको भाई मस्ट विजिट प्लेस बोलूँगा, अगर आप आसाम में आ रहे हो ना, आप चाहे गुवाहाटी छोड़ दो, चाहे कोई भी जगह छोड़ दो, माजुली आपको ज़रूर आना चाहिए। माजुली इस जगह का नाम है, ज़रूर ही आना चाहिए। और आप मेरे पीछे देखते हो भाई यहाँ पे भी नृत्य आर्ट, यहाँ पे हर चीज़ को भाई मतलब एक आर्ट का रूप दिया गया है। आर्ट सबसे ऊपर है यहाँ पे, आई थिंक शायद स्टडीज़ के ऊपर भी आर्ट रखी गई है, क्योंकि भाई आर्ट ही मुझे हर तरफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो आप सामने पेंटिंग्स बनाई गई हैं हर दीवार पे, आपको हर जगह पेंटिंग्स या फिर भाई मतलब मज़ा आ जाएगा भाई देख के यार। हमें तो भाई नज़ारा आ गया इस जगह को देख के एंड इस कल्चर को देख के, बहुत मज़ा आ गया। अभी हम जा रहे हैं भाई यहाँ से सीधा आउनियाती, एक जगह बची है हमारी लास्ट जगह वही है आउनियाती 17। और मेरे को वही भैया ने बताया जिनके पास हम रुके थे, और उन्होंने बोला कि वही आपकी लास्ट डेस्टिनेशन अच्छी रहेगी, सबसे बड़ी 17 यहाँ पे बोली जाती है। तो भाई चलो यहाँ से लेते हैं अपनी नेक्स्ट लिफ्ट सीधा आउनियाती के लिए। सो गाइस अभी राजू भैया ने हमें छोड़ दिया है यहाँ पे भाई आउनियाती 17। चलो अभी अंदर चलते हैं सीधा और आपको दिखाते हैं भाई लास्ट 17 है हमारा आज का लास्ट लोकेशन, टुडेज लास्ट लोकेशन। भाई टाइम 4:30 हो चुके हैं और सनसेट हो रहा है, जल्दी जल्दी देख के जाना पड़ेगा नहीं तो अंधेरा हो गया भाई। वैसे नहीं यहाँ लिफ्ट मिलती जल्दी, मतलब मिल तो जाती है, बंदे तो देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते क्योंकि डबल हेलमेट का इशू। भैया मुझे थोड़ा घुमा के गलियों गलियों से लेके आया, भैया कहते डरना मत मैं आपको गलियों से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेन रोड पर भाई पुलिस खड़ी रहती है। प्यार हो जाएगा भाई इस जगह से प्यार, एक बार आओगे ना मैं सोच रहा हूँ कि भाई शादी वादी करके ना यहीं आके बस जाऊँगा मैं, तो मैं नहीं कहीं और जाने वाला भाई, इतनी शांति वाली जगह है ना। ओए होए आई लव दिस प्लेस यार। अभी हम अंदर आ चुके हैं आउनियाती जो 17 है उसके, एंड यहाँ पे भाई जो आप नीचे देखते हो लैंड है वो गाय के गोबर से लेप किया गया है, मिट्टी से लेप किया गया है। एंड यहाँ भाई बहुत सारी आर्ट्स बनाई गई हैं, देख सकते हो आप नृत्य की आर्ट्स यहाँ का। भाई ये लोकल डांस है, मतलब ट्रेडिशनल डांस है यहाँ का, आप देख सकते हो ऐसे होता है तबला बजा बजा के। आप साइड में देख तबले वाले हैं, और ये भगवान विष्णु के मतलब जो स्वरूप हैं वो सब बनाए गए हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी हम अंदर से जाके आ चुके हैं एंड भाई पंडित जी थे अंदर, उन्होंने बताया कि भाई जो सिंहासन है पूरा सिल्वर का बना हुआ है। एंड भाई आहोम डायनेस्टी में एक राजा थे और उन्होंने 16th century में वो जो सिंहासन है सिल्वर का वो दिया था यहाँ पे। और मेरे को हाँ सच एक स्पेशल चीज़ मेरे को भैया ने यहाँ बताया कि यहाँ पे 350 ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। अब खुद ही सोचो भाई जहाँ पे 350 ब्रह्मचारी लोग रहते हैं और हनुमान जी का पाठ करते हैं, श्री कृष्ण का पाठ करते हैं, राम राम राधे राधे जहाँ होती हो भाई, वहाँ आपको क्या ही मतलब नेगेटिविटी आने वाली है, प्रॉपर पॉजिटिविटी मिलने वाली है। इसी शायद मामले में यहाँ पे भाई इसको सबसे बड़ी 17 बोला जाता है, शायद सबसे बड़े काउंट ऑफ ब्रह्मचारी यहाँ पे रहते हैं। सो चलिए भाई अभी चलते हैं सीधा भैया के पास। अभी एक लिफ्ट मिली भाई और 1 किलोमीटर आगे भैया ने छोड़ दिया, यहाँ से हमारा बचता भाई 3 किलोमीटर लिफ्ट और लेनी है। आई एम बैक, हो गया पूरा, हो गया आपका? हाँ पूरा घूम लिया, अच्छा था, मज़ा आया। कहाँ अभी आउनियाती में गए थे? हाँ आउनियाती में जाके आए, एंड सबसे अच्छा तो वही था भाई मास्क मेकिंग वो सबसे इंटरेस्टिंग था। पद्मश्री अवार्ड और रिपब्लिक डे पे उन्होंने अपनी झांकी निकाली, वो अच्छा था। आज भाई भैया जा रहे हैं अपने मम्मा के पास, मम्मा मतलब कहीं और स्टे कर रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं। एंड यहाँ भाई अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से भैया ने एक गेस्ट हाउस ढूंढ दिया हमारे लिए काफ़ी सस्ता, शायद 200 रुपये के आसपास है ना, तो वहाँ चलते हैं भाई आज की रात वहाँ बिताएंगे। बैग हमारा भैया घर पे था, भैया अपने छोटे भाई को बोल दिया कि बैग हमारे पास ले आएंगे, तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं भाई जल्दी जल्दी। और भैया को बोलते हैं बाय, थैंक यू भैया आपने बहुत कुछ कर दिया यार यहाँ पे। देखो भाई अननोन मिलते हैं और मतलब इतने नोन हो जाते हैं कि दोबारा अगर मैं माजुली आई मेरे को कोई चिंता ही नहीं, मैं आके सीधा भैया को फोन करने वाला हूँ। चलिए अभी चलते हैं भाई सीधा गेस्ट हाउस, भैया सुबह मिलते हैं, सुबह मेरे को जाना इधर से ही आपको मिल के जाऊँगा। ठीक है भाई, आज की स्टे हमें मिल चुकी है, खाना पीना हमने खा लिया है भैया से खा के, एंड भाई भैया ने बहुत कम पैसे लिए, भैया कहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप रहने दो, ज़्यादा पैसे मत दो। अभी भाई हम रेस्ट करेंगे एंड अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।